अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोलॉजी के अंदर यूज़ होने वाली एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसके ज़रिए हम चार्ज्ड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स यानी ऐसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, जैसे कि DNA, RNA, प्रोटीन, इनकी सेपरेशन कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेम। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी इस टेक्निक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने वाली है। एंड फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन, मीन्स सेपरेशन ऑफ थिंग्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन द लैब टू सेपरेट चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स लाइक DNA अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये एक ऐसी टेक्निक है जो लैब के अंदर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज की बेस पर कैसे करते हैं अभी हम मैकेनिज्म में देखने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है, और ये मोस्टली DNA, RNA और प्रोटीन की सेपरेशन के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम इसकी इम्पॉर्टेंस को देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट तब क्रिएट होता है जब हमें उसकी इम्पॉर्टेंस, उसके यूजेस का पता हो। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। होपफुली आपने फिंगरप्रिंटिंग का वर्ड सुना होगा। जैसे हर इंडिविजुअल का अपना कोई फिंगरप्रिंट होता है, इसी तरह हर इंडिविजुअल का DNA फिंगरप्रिंट भी डिफरेंट होता है दूसरे इंडिविजुअल से। सो इस फिंगरप्रिंट को यूज़ करते हुए कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उनको विजुअलाइज किया जाता है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उनके रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेटर्निटी टेस्टिंग, फॉरेंसिक स्टडी। पेटर्निटी टेस्ट बोलते हैं कि एक चाइल्ड है, उसका रिलेशन देखना है उसके पेरेंट के साथ रियल है या अडॉप्टेड चाइल्ड है। उसका रिलेशन मदर के साथ देख सकते हो, फादर के साथ देख सकते हो। तो DNA का अपना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को मैच किया जाता है मदर के DNA से या फादर के DNA से, तो इस टेस्ट को पेटर्निटी टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा फॉरेंसिक स्टडी में इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक यूज़ की जाती है, यानी कहीं पे कोई क्रिमिनल केस हो चुका है। अब वहाँ क्रिमिनल जहाँ पर केस हुआ है वहाँ पर से आपको कोई सैंपल मिल गया है, किसी भी ब्लड सैंपल हो सकता है, सीमन का सैंपल हो सकता है, कोई भी ऐसा सैंपल जिससे आप DNA आइसोलेट कर सकते हैं, DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर ऐसा होता है कि एक सस्पेक्ट है, यानी ऐसा शख्स जिस पर आपको कोई शक है कि इसने क्रिमिनल एक्टिविटी की होगी। तो बहुत सारे सस्पेक्ट हो सकते हैं, उनको आप लेते हैं, उनका DNA आइसोलेट करते हैं उनके ब्लड से या किसी भी एरिया से DNA आइसोलेट करके, वो क्रिमिनल जो DNA आपको मिला है क्रिमिनल वाली साइट से, जो DNA आपने आइसोलेट करवाया है, और सस्पेक्ट का DNA आपस में मैच करवाते हैं। अगर वो DNA मैच कर जाता है तो हमें पता चलता है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी उस बंदे ने ही की है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की पिक्चर है जिसमें DNA के डिफरेंट बैंड्स जो हैं आपस में मैच किए गए हैं। तो अगर इस तरह बैंड मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल एक्टिविटी सस्पेक्ट जिस पर हमें शक था उसने की है। यानी ये पैटर्न को मैच करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, इस टेक्निक में DNA के डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं ना, वो फ्रैगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ये अभी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, यानी प्रोटीन, DNA, RNA की स्टडी करनी है तो उनकी सेपरेशन के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। फिर जेनेटिक्स, जिनका काम मोस्टली DNA के साथ होता है, तो DNA को विजुअलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ये टेक्निक यूज़ की जाती है। DNA को साइज़ की बेस पे सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैकेनिज्म, के इस टेक्निक का मैकेनिज्म क्या है, कैसे अप्लाई की जाती है। इस टेक्निक के लिए मैंने कुछ यहाँ पर एपरेटस तैयार कर रखा है। ये जो आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, सपोज दिस इज़ अ जेल, ये एक जेल है, ये एक मीडियम है जिसमें आप अपना कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल रन करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो ये एक जेल है। ठीक है, दिस इज़ अ जेल। अब इस जेल को सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रिपेयर करने के बाद इसमें कुछ वेल्स बनाए जाते हैं। ये ब्लैक कलर के आपको कुछ वेल्स नज़र आ रहे होंगे, कुछ होल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आप अपना डिज़ायर्ड सैंपल एंटर करते हैं। सपोज़ हम DNA की सेपरेशन कर रहे हैं तो रेड कलर में यहाँ पर हमने DNA को लोड कर दिया है। अब DNA यहाँ पर लोडेड हो चुका है। अब DNA को हमने सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, यानी DNA फ्रैगमेंट्स में पड़ा हुआ है, इसके डिफरेंट पीसेज हैं, तो साइज़ की बेस पे DNA सेपरेट होगा। कैसे सेपरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की थी, तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। जेल को जो है दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान रखा जाएगा, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगा जिसको कैथोड कहा जाता है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज
बॉडी होती है जैसे एनोड कहा जाता है। इसको बैटरी के साथ या किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ अटैच कर दिया गया है। अब जब हम करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चार्ज की बेस पे ये जो मालिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मालिक्यूल, ये सेपरेट होंगे। अब हमें पता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तो डीएनए क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाली साइड पे मूव करेगा, है ना। तो डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाली तरफ मूव करेगा, इसलिए हमने जो है डीएनए के लिए जो जेल पर वेल हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की साइड पर बनाए हैं ताकि डीएनए को ट्रेवल करने के लिए कुछ स्पेस मिल सके। सो ये एक एपरेटस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम कुछ पॉइंट्स रीड आउट करते हैं, मैंने मोस्टली आपको बता दिया। चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू अ जेल व्हेन करंट इज अप्लाइड, जितने भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हम लोड करते हैं जेल में वो मूव करते हैं जेल में से जब हम करंट अप्लाई करते हैं। वन एंड ऑफ जेल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड द अदर एंड टू द नेगेटिव, एक एंड को हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, एक एंड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, ठीक है। मॉलिक्यूल्स माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज, जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपोजिटली चार्ज वाली तरफ पर अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। फिर क्या होगा, जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स थ्रू विच मॉलिक्यूल्स ट्रेवल, जेल क्या होती है, परमिएबल मैट्रिक्स होते हैं इसमें, यानी एबिलिटी होती है चीज़ों को परमिट करने की, ठीक है। तो इसमें कुछ होल्स होते हैं छोटे छोटे, जेल के अंदर पोर्स होते हैं जिनसे डीएनए पास आउट होता है। फिर क्या होता है, smaller molecules move through gel quickly and travel further than larger fragments, as a result molecules are separated by size, जो DNA के smaller fragments होंगे ना, छोटे pieces होंगे, वो ज़्यादा दूर move करेंगे और जल्दी move करेंगे, जिसकी वजह से different size के जो fragment हैं separate होंगे। यहाँ पर हमने single DNA डाला था, फिर इसके suppose तीन type के fragments इस DNA में present थे, तो एक type के fragment जो larger था वो slowly move कर रहा है, जो उससे smaller था वो तेज move किया, उसने ज़्यादा distance travel कर लिया, जो और smaller था उसने और ज़्यादा distance travel कर लिया, क्योंकि smaller molecules जल से जल्दी पास आउट हो सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रैफिक में बाइक जल्दी पास आउट हो जाती है और हैवी ट्रैफिक, हैवी गाड़ियां जो हैं वो स्लोली मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, रास्ता कम होने की वजह से, तंग होने की वजह से। यहाँ पर मैं आपको एक और सिंपल कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये आप देख पा रहे हैं कि फ्रैगमेंट्स जो हैं साइज़ की बेस पे सेपरेट हो रहे हैं। सपोज़ यहाँ पर डीएनए डाल दिया गया है तो डीएनए ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ट्रैवल करेंगे इस तरीके से, तो एक आपको एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ बैंड्स नज़र आएंगे, तो ऐसे बैंड्स नज़र आएंगे। अब स्मॉलर पीसेज जो हैं वो ज़्यादा दूर मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको सेपरेशन नज़र आएगी। तो यही काम है इलेक्ट्रोफोरेसिस का कि सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, यानी जिनका साइज़ छोटा है वो दूर जल्दी और फास्टर ट्रेवल कर रहे हैं जेल में से, जिनका साइज़ बड़ा है वो स्लोली ट्रेवल कर रहे हैं, जिसकी बेस पे आप इनको विजुलाइज भी कर सकते हैं, और इनको अगर सेपरेट करना है तो यहाँ से इस बैंड को कट आउट करके आप फर्दर स्टडी के लिए एनालाइज भी कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना शुरू करेंगे, जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों से रिलेट करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।